हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज। एक बार फिर से आपके लिए डिमांडिंग वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि PGCIL के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर, PGCIL कट ऑफ तो आपने बता दिया, PGCIL रिजल्ट कब तक आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट के बारे में, जिसमें टोटल 211 वैकेंसियाँ थी। इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसियाँ थी, जिसमें हर एक रीजन, लगभग हर रीजन में वैकेंसी आई थी। एक दो रीजन छोड़ के वैकेंसी नहीं आई थी, बाकी सारे रीजन में आपकी वैकेंसी अच्छी खासी थी। तो जो जो इस फॉर्म को अप्लाई किए थे उनका रिजल्ट कब पब्लिश होगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिल्कुल प्रूफ के साथ। और साथ ही साथ जिन्हें कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है, जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिस्पॉन्स किया गया है, आपका कितना नंबर आ रहा है और कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है, तो कट ऑफ का वीडियो भी आई बटन पे है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग रिजल्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था और आप सबका कन्फ्यूजन भी है, जैसे आपका अच्छा मार्क्स आ चुका है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट का वेट है, क्या बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट का वेट है, तो उससे रिलेटेड हमने PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग के ऑफिस में कॉल किया। तो उसके बाद एक दो अधिकारियों से बात करने के बाद पता चला हमें कि वही हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और बिल्कुल सटीक जानकारी होगी आपकी। तो चलिए बताते हैं उनसे हमारी क्या बात हुई। कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कारण वह रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। जिनको भी रिकॉर्डिंग सुना हुआ टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। उनसे बात करने पर पता चला कि अभी हाल ही फिलहाल में जो AI की वैकेंसी थी गेट के थ्रू, क्या असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी थी गेट के थ्रू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 में, इसका अभी ग्रुप डिस्कशन और AI की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू चल रहा है, जो कि इंटरव्यू आपका 16 जून तक चलेगी। क्या जो BTEC किए होंगे वो इस फॉर्म को भरे होंगे, तो उनका इंटरव्यू 16 जून तक चलेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गेट 2023 एग्जामिनेशन जो 23 मार्च को हुई थी, उसका अभी हाल फिलहाल में 15 मई से 1 जून इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक का 2 जून से 7 जून, कंप्यूटर साइंस का 8 जून से 12 जून और सिविल वालों के लिए 13 से 16 जून तक। यानी अभी तो सभी लोग जो हैं, जो रिक्रूटमेंट लेते हैं, जो सिलेक्शन करवाते हैं PGCIL का, वो अभी AI की वैकेंसी में इंगेज है। तो अभी PGCIL DT 16 जून तक रिजल्ट नहीं आएंगे, 16 जून के एक हफ्ते बाद आपका PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट आ सकती है। और हमारी जिनसे बात हुई अधिकारियों से, वो उन्होंने भी यही कहा कि आपका PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट जैसे ही AI की वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, इंटरव्यू सब, उसके एक हफ्ते बाद आपका PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और आपको 15 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, तो वही इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोग को देनी थी PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग। तो PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट कब आ सकता है, तो लगभग मान लीजिए आपका लास्ट जून 20 जून के बाद आपका PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट आएगा। उससे पहले आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इससे पहले आपका सेल का एग्ज़ाम होने वाली है, बार का एग्ज़ाम होने वाली है, तैयारी करते रहिए। और 10-11 जून को DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी करते रहिए। तो यही अपडेट आपको छोटी सी देनी थी PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग रिजल्ट से, जो कि ऑल रीजन का आपका रिजल्ट आ जाएगा लास्ट वीक ऑफ जून में। PGCIL इम्पोर्टेंट अपडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके 15 दिन बाद यानी 1 जुलाई में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी कट ऑफ वीडियो नहीं देखें तो वो जाके ज़रूर कट ऑफ वीडियो देख लें।
आई बटन पे आप लोग क्लिक करके जाकर देख सकते हैं पीजीसीएल डिप्लोमा का टफ 2023 का वीडियो, डिप्लोमा ट्रेनी बस इतने ही जाएगी, 100% श्योर रहेगा। रीजन वाइज एनालिसिस है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं हर एक रीजन का हर एक कटअप है, लगभग 110 प्लस UR का रहेगा। वहाँ पर आप पटना का या कोलकाता कोई भी बोर्ड से हो, ए नरबान WR2 कोई भी बोर्ड से हो, तो वहाँ पर जाकर आप PGCIL कटअप का वीडियो देख सकते हैं। यही अपडेट आप लोग को देनी थी PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग रिजल्ट से रिलेटेड। और आपका कोई भी डाउट होता है क्या, और आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम किन्हीं का खराब गया तो कोई टेंशन नहीं ले रहा, जिनका भी अच्छा गया वो भी टेंशन नहीं लीजिए। रिजल्ट से रिलेटेड आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी करते रहिए, जो भी आगे आपका एग्ज़ाम आने वाली है उसकी तैयारी करते रहिए। और एक बात और हम बता देते हैं आपको, जो भी अभी तक कुछ बच्चे अभी तक अपना आंसर की भी नहीं देखें तो वो अपना जाके यहाँ से देख सकते हैं, अभी तक आंसर की आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिखना फॉर CVT हेल्ड ऑन 5 मई 2023, लगभग 98% बच्चों ने देख लिया, कुछ 1-2% बच्चों ने अपना आंसर की भी नहीं देखा, कुछ एग्ज़ाम खराब चल गया था इसलिए, लेकिन ऐसे बात नहीं, आप लोग अपना अपना आंसर की देखिए और उसमें जो भी गलत होता है, आपका प्रश्न गलत हुआ है उसको एनालिसिस करिए, क्या गलती को अपना सुधारिए और अच्छे से तैयारी नेक्स्ट एग्ज़ाम की करिए, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। और आपका कोई भी डाउट हो एनी डॉट PGCIL से रिलेटेड या सेल बार्क कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आपका कमेंट का हम लोग उचित, हमारी टीम उचित आपका आंसर देने की कोशिश करेगी। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। यही अपडेट आप लोग को छोटी सी अपडेट देनी थी कि PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट कब आएगा, तो हमने बता दिया PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट कब आएगा, लास्ट जून, क्या लास्ट वीक ऑफ जून में आएगा PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट, 20 जून के बाद ही आपका PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग का रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं ले, जिनका भी अच्छा एग्ज़ाम गया है, जिनका भी थोड़ा मना खराब एग्ज़ाम गया या जिनका एवरेज एग्ज़ाम गया तो बिल्कुल टेंशन नहीं, बल्कि उसके बजाय आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कीजिए। अभी हाल ही फिलहाल में DBC का एग्ज़ाम होगा, सेल का भी एग्ज़ाम होने वाला है 15 से 20 दिनों में, उस पर भी वीडियो हम लोग बताएंगे सिलेबस के थ्रू, और जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसी चीज़ की तैयारी आप लोग करते रहें। जो भी ब्रांच से रिलेटेड आप लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्या इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों।